हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम एस सी का जो प्री एंट्री टेस्ट होने वाला है उस प्री एंट्री टेस्ट के लिए इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों का एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म वाले टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला है हमारे पास कोविड 19 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए कोविड 19 का फुल फॉर्म है आपका कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019 नेक्स्ट डाइट डायट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडुकेशन एंड ट्रेनिंग तो आप लोगों को याद रखना है सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को नेक्स्ट है आईसीटी आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट है आरटीई टी का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन नेक्स्ट है डी ईओ का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिसर्स नेक्स्ट सीजीपीए काफी इंपोर्टेंट रहेगा का एग्जाम के लिए सीजीपीए का फुल फॉर्म है ग्रेड पॉइंट नेक्स्ट बीईओ बीईओ का फुल फॉर्म है ब्लॉक एडुकेशन ऑफिसर्स नेक्स्ट सीआरसीसी काफी इंपोर्टेंट रहेगा का एग्जाम के लिए सीआरसीसी का फुल फॉर्म है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर नेक्स्ट एन सी ई आर टी एन सी आर टी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एडुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेक्स्ट एस सी आर टी एस सी आर टी का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एडुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेक्स्ट एन सी एफ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल क्यूकुल फ्रेमवर्क नेक्स्ट है एनसी टी ई एन सी टी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडुकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एनसी टी का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए नेक्स्ट है जी ई आर जी ई आर का फुल फॉर्म है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नेक्स्ट है डी पी ई पी डी पी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एडुकेशन प्रोग्राम नेक्स्ट एटीएम काफी इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेक्स्ट एआईसीटीई एआईसीटीई का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नेक्स्ट है एशो का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया काफी इंपोर्टेंट है ताम का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए नेक्स्ट सीबीएसई सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नेक्स्ट सी सीएनजी जी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सीएनजी का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए नेक्स्ट है डीआरडीओ डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट ईबीएम EBM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नेक्स्ट है एफ आई आर एफ आई आर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नेक्स्ट है जीपीएस जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेक्स्ट है आईसीएमआर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेक्स्ट है सीबी सी का फुल फॉर्म है कारिकम बैठी नेक्स्ट सी एस आई आर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए इसका फुल फॉर्म सी एस आई आर का फुल फॉर्म है एफ आई एफ ए मतलब फीफा फीफा का फुल फॉर्म क्या है फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन तो फीफा का फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में पूछा गया है आपका एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रे फीफा का फुल फॉर्म नेक्स्ट एफ एस एस ए आई एफ एस एस ए आई का फुल फॉर्म है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेक्स्ट जी जी पी पी आर एस आर एस का फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस नेक्स्ट जीपीएस जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेक्स्ट गूगल जिसमें हम लोग सर्च करते हैं गूगल गूगल का फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ नेक्स्ट है कॉबॉल कॉबॉल का फुल फॉर्म है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म एग्जाम के लिए नेक्स्ट है सिबिल सिबिल का फुल फॉर्म फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड नेक्स्ट है बायोस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नेक्स्ट है आयुष आयुष एक मिनिस्ट्री का नाम है आयुष काफी बार न्यूज में आता है ये आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक युवा एंड नेचरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होमोपैथी तो इसका फुल फॉर्म आपका एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है ASCII. ASCII का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट का है आस्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नेक्स्ट है आपका एड्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए एड्स का फुल फॉर्म हैोम नेक्स्ट है एच टी एम एल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए HTML टी एम एल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नेक्स्ट है पीडीएफ डी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नेक्स्ट है क्यू कोड जिसको हम लोग स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो क्यू कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड नेक्स्ट है बैरास काफी इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म एग्जाम के लिए बैरास का फुल फॉर्म है आपका बाइटेल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज बाइट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज नेक्स्ट है एम आईसीआर एम आई सी एल का फुल फॉर्म है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नेक्स्ट है आई एफ एस सी काफी इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म एग्जाम के लिए आई एफ एस सी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड नेक्स्ट है एन ए एस सी एन ए एस सी का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल नेक्स्ट है नाबार्ड नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नेक्स्ट है एफ टी का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस